नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्विस रसोई में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यमी सी रेसिपी बर्फी, जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ये हम बहुत ही कम सामान में बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बर्फी बनाना। नारियल की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और 2 कटोरी कोकोनट पाउडर यानी कि गोले का बुरादा। अब लेंगे एक बर्तन, उसमें डालेंगे 2 गिलास दूध। दूध को रख देंगे गैस पर गाढ़ा होने के लिए। दूध में डाल देंगे 1/2 कटोरी चीनी। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे नारियल का बुरादा और इसे धीमी गैस पर थोड़ी देर चलाते रहेंगे। 2 चम्मच चीनी इसमें डाल देंगे और चीनी को कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब जो दूध गाढ़ा करके रखा था वो भी गाढ़ा हो गया है, अब इसे भी डाल देंगे और कर देंगे अच्छे से मिक्स। दूध डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। गैस को कर देंगे बंद और इसे उतार लेंगे नीचे। अब लेंगे एक थाली और थाली में कर लेंगे इसे। अच्छे से सेट कर लेंगे इसे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रूट कलर। कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे ऊपर फैला देंगे उसके अच्छे से, इसके ऊपर से फैला देंगे इसे। कतली अच्छे से फैला दिए सब में। अब इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर जमने के लिए। 2 घंटे हो गए हैं बर्फी को रखे हुए और ये अच्छे से सेट भी हो गई है। अब इसे काट लेंगे इसको। बर्फी को निकाल कर प्लेट में रख लिया है। बहुत ही टेस्टी और यमी बर्फी बनी है, तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएगा, बहुत ही पसंद आएगी सभी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।